कि वो टाइम का थोड़ा खास ख्याल रखें और जो बातें बताई गई उनको रिपीट ना करें प्लीज। मैं संजय परिहार सरपंच संगना पंतवाड़ा से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। ब्लॉक दिवस के मौके पे हमारे आज के चीफ गेस्ट डीसी साहब, उनके साथ बैठे हुए डीडीसी, सरपंचेस और सभी डिपार्टमेंटों के लोग, और खासकर मैं शुक्रिया करूंगा इन बच्चों का जो इसकी कड़की धूप में यहां बैठे हुए हैं और यहां का नज़ारा देख रहे हैं। मैं डीसी साहब से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, डीसी साहब मेरा नाम संजय परिहार है, मैं सरपंच हूँ, सामने आपके लेफ्ट साइड जो पहाड़ी है पुंतवाड़ा एरिया का हूँ। इस एरिया में नहीं, मेरे को लगता है इस पूरे जेएंडके में अगर कोई एरिया बैकवर्ड एरिया है तो मेरा एरिया है। किस हिसाब से ना वहां रोड है कोई, ना हॉस्पिटल है, किसी भी चीज की कोई फैसिलिटी नहीं है, और मेरे को लगता है कि ऑफिसर भी वहां विजिट नहीं करता है। किस लिए? क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, पैदल आने में कोई खुश नहीं होता, टीचर भी अवेलेबल नहीं होते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले मेरी पंचायत है संगना, डॉक्टर जितेंद्र साहब ने मेरा गांव मालीय गांव अडॉप्ट किया है सर, आज तक उसमें कभी कोई काम नहीं हुआ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे थोड़ा छानबीन करें कि ये क्या है, अगर ये अडॉप्ट किया है तो आज तक काम क्यों नहीं हो रहा है इस पे। दूसरी बात सर, हर जगह रोड है, सरोड इलाके में पूरी जगह रोड़े रोड़े हैं, ऐसा क्या है कि जो हमारे कुंतवाड़ा में रोड नहीं बनती है? अगर कोई इशू होता है, कोई इंसान अगर वहां काम नहीं करने दे रहा है, क्या उससे रिक्वेस्ट नहीं की जा सकती है कि इसको ये चीजें? मैंने कई बार इस रोड को बनाने की कोशिश की, कईयों के घरों मैंने गालियां भी खाई हैं इस रोड के रिलेटिव, क्योंकि लोग रोड बनाने नहीं देते हैं। ये चीज डिपार्टमेंट अपने संज्ञान में ले और इस पे पूरा काम करें। कब हमें रोड मिलेगी? 47 से हम आजाद बोलते हैं कि हुए हैं, लेकिन आज तक हम इन चीजों से आजाद नहीं हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इस कुंतवाड़ा रोड पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, आज भी काम बंद है। एक्शन साहब बैठे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं कि ये रोड क्यों बंद है, अगर कुछ इशू है तो उसको सॉर्ट आउट किया जाए। सर नंबर तीन मैं बताऊंगा, प्रोजेक्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट सारा का सारा इस कुंतवाड़ा एरिया में बन रहा है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग यहां पे बैठे हुए हैं, मेरी इस बात पे नाराज मत होना, मैं अपने कुंतवाड़ा का हूं, कुंतवाड़ा एक बैकवर्ड एरिया है, मैं आप लोगों की हेल्प चाहता हूं। अगर आप लोग, एक हॉस्पिटल बनता है प्रोजेक्ट के रिलेटेड, एक केवी स्कूल बनता है, मेरे को यही दो चीजें चाहिए अपने अपने एरिया में। इसके लिए जंग लड़नी पड़े ये लड़ूंगा मैं, दो तीन एफआईआर लगी हैं, चौथी लगे पांचवी लगे पीछे नहीं हटूंगा मैं, ये डीसी साहब के सामने मैं बोल रहा हूं। क्यों सर, मेरा टेन्योर मेरे को लगता है मार्च में खत्म। क्या मसला है, इसको फिर से रिपीट करो। क्या चीज? जो अभी आपने बोला सर, यहां पे हॉस्पिटल भी है इस क्या बोलते हैं इसको, सरोड इलाके में स्कूल्स भी हैं, मतलब हर फैसिलिटी है। अगर केवी स्कूल बनता है सर, वो उसकी भी यहाँ पे इन्होंने कहीं जगह ढूंढ के रखी है। अगर हॉस्पिटल है वो भी यहाँ पे ढूंढ के रखा है, क्यों? क्योंकि उस एरिया के लीडर ज्यादा नहीं है, यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं, तो हमें इन्हीं चीजों से कुचला जाता है। मैं चाहता हूं, मेरी ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं है सर, मैं कह रहा हूं कि मेरे को एक हॉस्पिटल दे दो, एक केवी स्कूल दे दो। जैसे लोग बोल रहे थे कि नहीं कुंतवाड़ा बैकवर्ड है या कुछ ऐसा है, अगर दरिया दिल्ली दिखानी है तो इसमें दिखाइए, ये चीजें हमें प्रोवाइड करवाइए। और नहीं सर, कांदनी सबमर्ज हो रहा है, हमें कांदनी में ही एक ब्रिज है,
जो इस कुंतवाड़ा का आने जाने का रास्ता है वो सबमर्ज हो रहा है, वो पुल भी चला जाएगा और एक पुल का निर्माण जल्दी से होना चाहिए। अगर ये चीजें जल्दी से नहीं हुई तो हमें कम से कम 10-15 किलोमीटर चल के यहां धर्मशाला आना पड़ेगा। अब सर सबसे टॉप एरिया है, एक कृष्णमला मंदिर है वहां पे, गांव है, अभी वहां पे बर्फबारी स्टार्ट हो गई है, 10-15 दिन में या महीने में वहां पे 3-4 महीने बिल्कुल बंद हो जाता है, राशन की बड़ी किल्लत होती है, राशन ऊपर कम से कम कोई 10 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है, खचरों को खचरे नहीं जाती है। आज की डेट में हम बर्फ में भी लेते हैं, आज मैं सरपंच हूं वहां पे डायरेक्ट हम खचरे पहुंचाते हैं, कल मैं सरपंच रहूं ना रहूं तो मैं चाहता हूं सर एक रिक्वेस्ट है कि बर्फबारी में उनको ये सप्लाई रहनी चाहिए, आज की डेट में भी सर्दियों में भी, वो अगर सब सेंटर देंगे आप वहां पे एक और या तो फेयर शॉप देंगे तो उसमें ये चीजें सारी कवर हो जाएंगी। अच्छा सर, कांदनी से लेकर संगना पंचायत, यहां दो पंचायतें आती हैं, हिलूड़ और संगना, यहां पे खचर का रास्ता भी नहीं है, बल्कि इतना बुरी हालत है, ऑफिसर कैसे आएगा, मैं भी जाता हूं तो मैं 4 दिन बीमार हो जाता हूं। तो अगर ये रोड फुट रोड अगर वहां बन जाती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस मेरी यही ग्रीवेंसेस है, लेकिन सर इन चीजों पे थोड़ा गौर किया जाए। बाकी जैसे इशू है, लिलारन है, सी घाट है, ये प्रोजेक्ट के सीधा ऊपर है सर, इनको प्रोजेक्ट में नहीं लाया गया है, ये भी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इनको भी इन चीजों में लाया जाए। धन्यवाद। आपको आगे बढ़ाते हुए मैं अब्दुल कबीर भट्ट साहब जो कि रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं उनको दावत देता हूँ, उसके लिए आकर आपकी मुश्किल बताएं। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम इनको कभी अपने घर को देखते हैं। बहुत बहुत खुशामदीद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन साहब का हमारे इस मागरे वतन में, यह हमारा घर है और इस घर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे लगता है कि बाकी सभी साहिबान जितने भी हैं मैं उनको भी वेलकम यहां पे करता हूं, तमाम डिपार्टमेंट्स के लोगों का भी शुक्रिया जो यहां पे आए हैं। तो मैं लगता है मुझे कि आप हिमांश साहब ने तमाम बातें टच कर दी हैं जो हमारे यहाँ की जनरल ग्रीवेंसीज हैं, तो दोबारा रिपीट करने की मुझे लगता कोई जरूरत नहीं है उस चीज की। मैं सिंपली थोड़ी दो तीन बातें आपको कहूंगा। एक तो यह कि जिस रास्ते से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब यहां तशरीफ लाए, गाड़ी से उतर के जहां से आए इसी रास्ते से हम इस सुकून में आते थे, और ये पत्थर जो यहां पर बीच में लगे हुए हैं मुझे लगता है कि यह कम से कम 8 इंच घिस गए हैं तब से जब से हम यहां स्कूल में आ रहे थे 1960s में। मुझे लगता है 7-8 इंच पत्थर जो है लंबे लंबे पत्थर जो रास्ते में ये घिस गए हैं, जिनपे आप आज चूना डाल के वहां से आए हैं। इस रोड को आज तक किसी ने, इस सड़क को, इस फुटपाथ को आज जाके 2-4 पत्थर इसमें लगे हुए देखे हमने, नहीं तो हमें इसी रास्ते से आना पड़ता था। तमाम स्टाफ यहाँ पे आता था, यहाँ पे पानी का सोर्स एक यहाँ ऊपर है, वहां के लिए पूरे गांव के लोग इसी रास्ते से आते थे, गिरते थे, मिट्टी के घड़े हुआ करते थे, वो टूट जाया करते थे। अब भी वही हाल है। हैरानगी की बात यह है कि जब से यहाँ पे हम मतलब यहाँ हम अपने होश संभाला हमने, तब से हमने इसी रास्ते को यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए देखा और किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये बच्चे जो आज यहां से ही आते हैं, कभी गिर पड़ते हैं, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, किसी का सर फट जाता है, मगर इस रास्ते को किसी ने देखा नहीं आज तक। तो इस सुकून से ही मैंने शुरू किया है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने दीवान सर ने अभी बता दिया कि स्टाफ की यहां बहुत ज्यादा कमी है, अगर से यहां पर 11 लेक्चरर्स की पोस्ट है तो यहां पर 4 लेक्चर टोटली है, सिर्फ टीचर्स यहां पे 10 है और 10 टीचर 12 क्लासों को कैसे चलाते हैं या ये ही जानते हैं या ये बच्चे जानते होंगे कि क्या पढ़ते हैं, ये वो कैसे पढ़ा जाता है। इसमें हमारी गुजारिश यह है कि इन यहाँ पे स्टाफ की जो है कमी है उसको पूरा किया जाए मेहरबानी करके। उसके अलावा सर यहाँ के बाथरूम सामने देखे होंगे, सामने आज जाके मुझे लगता है इसमें पानी शानी है, क्योंकि 2-4 दिन से इसमें लगा हुआ है और थोड़ा पैंट वैंट किया है। बाथरूम की यहाँ पर बहुत बुरी हालत है, यहाँ बाथरूम्स वगैरह भी ठीक नहीं है।
ऑफिस में अगर अंदर आप जाएंगे तो टाइल्स वगैरह का यहाँ बंदोबस्ती कोई नहीं है। कम से कम अगर हायर सेकेंडरी स्कूल है तो इस ऑफिस में कम से कम यहाँ पर अंदर ऑफिस में अच्छा होना चाहिए। अगर क्लासरूम में आपने नहीं लगाई है तो कम से कम ऑफिस में ऐसा अच्छा लगना चाहिए ताकि जो भी कोई आए ऑफिस देखे तो कम से कम यहाँ पर खुश हो जाए कि यार वाकई कोई स्कूल किसी स्कूल में हम गए। इसके अलावा सर मैं आपको जो बातें दीवान सर ने बताई उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। पावर प्रोजेक्ट तो बार बार मेरे ख्याल में रिपीट होता ही रहेगा रहेगा, क्योंकि इस बाधात से हमारे जो लोग हैं उनको वहां पर एडजस्ट नहीं किया गया है। यह बहुत ही अफसोस का मकाम है क्योंकि हमारी पंचायत में वो बन रहा है, अगर क्या वहां से 5 या 7 किलोमीटर दूर है मगर उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लोग सलाना के लोग अगर लग गए हैं तो बाधात के क्यों नहीं लगेंगे? अगर बाकी जगहों के बाकी पंचायतों के लोग वहां लगे, अगर सरतल से गहन से सुरूर से बाकी जगहों से बाहर वाले डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर लोग लगे तो हमारे गांव को भी कम से कम, यहाँ इतना बैकवर्ड एरिया यहाँ पर है बहुत, आपने देख लिया होगा कि जो रास्ता पर स्कूल को वो नहीं बन सका तो आप देखते होंगे कि हमारी हालत क्या यहाँ पे होगी। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि रैटले पावर प्रोजेक्ट में मेहरबानी करके हमारे लोगों को यहाँ पे एडजस्ट किया जाए। हमारे लैंड ओनर्स जो अभी कुछ बकाया है यहाँ के उनको भी अभी तो वहां पर जॉब नहीं मिला। उसके अलावा सर मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं। ये जो स्कीम आपने उन्होंने अभी कहा इन्होंने कि पानी का जो आ रहा है, पुरानी एक स्कीम यहाँ पर चल रही थी, बहुत सालों से चल रही है वो, उसको जब भी बर्फ होती है या बारिश होती है वो टूट जाती है, लोगों को बहुत मुश्किल हो जाती है यहाँ पानी की, और उस रास्ते को उस रिपेयर करने के लिए वहां पे 2-3 साल से पाइप रास्तों में पड़ी हुई है, किसी ने उनको वहां से ना उठाया ना उसको रिपेयर किया। और जब तक यहाँ बाहर दूसरा वो वाला पानी आता तब तक यहाँ पर जो पुराना पानी चल रहा था वो भी हमें नसीब नहीं हो रहा है, क्योंकि 2-3 साल से वो पाइप रास्तों में पड़ी हुई है, कोई किसी ने उसको नहीं लगाया, ठेकेदार पता नहीं कौन है क्या है क्या कर रहे हैं वो, और इन डिपार्टमेंट को भी मुझे लगता है कि वो भी नींद गहरी नींद में है, क्योंकि उनका जो जितना भी मटीरियल पड़ा हुआ रास्तों में पड़ा हुआ कोई उसका वो ट्रीटमेंट नहीं कर रहे ना उसको रिपेयर कर रहे। इसके अलावा सर मैं आपको ये बताता चाहूँ यहाँ से कि जो रिजर्वायर हमारा कानपुर में बना हुआ है पुराना, और वो इतना टूट फूट चुका है, इतना पुराना हो चुका है वो कि जो भी कोई जानवर उसमें गिर जाता है, कोई हर एक चीज, कीड़े मकोड़े या चूहे वगैरह या और भी कोई जानवर उसमें गिर जाते हैं और वही पानी वो वहां से आता है लोगों को वही पीते हैं। उसको कम से कम रिपेयर करना चाहिए था जब तक नया रिजर्वायर बने। इसके अलावा सर यहां पे जैसे अभी हमने यहाँ पे कहा कि ड्राफ्टशाला ब्लॉक की बात यहाँ मैं करूंगा, क्योंकि जो हमारे आपने सभी यहाँ पे बात कर ली है दीवान सर ने, रिपीट नहीं होना चाहिए। ड्राफ्टशाला ब्लॉक में मैं ड्राफ्टशाला की बात करूंगा, वहां पर हाई स्कूल है सर, हाई स्कूल के ऊपर से एक टावर लाइन जा रही है जो डिफंक्ट है, वहां तक ही वो टावर है, वो 2019 में वो टावर वहां डैमेज हो गया था, उसकी तारे जो है वो हाई स्कूल के ऊपर से गुजर के बस्ती में से जाके ऊपर जा रही है। श्री अंग्रेजी राणा साहब यहाँ पर डीसी साहब थे, उसके बाद सरदार साहब आए, उसके बाद एक और साहब आए, और उसके बाद जनाब आप आए, आज चौथा डीसी साहब है जिसको मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से कि उस तार लाइन को कम से कम वहां से हटाया जाए ताकि वहां पर कोई अंतवर्ष ना हो। अगर वो तार वहां से गिर जाती है उस तार से टूट के तो बच्चे स्कूल में है तो कितना बड़ा नुकसान, कितनी बड़ी ट्रेजिडी हो सकती है वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता है। मगर चार डीसी साहिबान यहाँ, 3 डीसी साहिबान यहाँ से होके चले गए, मगर मेरी उस रिक्वेस्ट का कोई वापस इवन तक ड्राफ्टशाला में सर, बिल्कुल सर, तो उसके साथ वहां पे सर मैंने एक FIR भी लॉज करवाई हुई थी थाने में, मगर कोई एक्शन ही नहीं हुआ, कोई मसला ही उस पर नहीं हुआ सर आज तक। उसके अलावा सर यहाँ पे अभी जो इन्होंने कहा दीवान सर ने कि यहाँ पर हमारा मेडिकल सेंटर एक है यहाँ बना हुआ हॉस्पिटल, 2014 में लाखों रुपया खर्च हुआ है, मगर अफसोस यह है कि वो ऐसी जगह है कि अगर किसी को प्रेग्नेंट लेडी को कहीं जाना हो वहां पे तो रास्ता ही नहीं है उसको जाने के लिए, या बच्चों को किसी को जाना हो बिल्कुल रास्ता नहीं है, टोटली बिल्कुल वो आइसोलेटेड जगह पे है वो, वहां पर कोई रास्ता किसी को जाने का ही नहीं है। वहां जाके उन्होंने बिल्डिंग बनाई, मुझे समझ नहीं आती वो क्यों बनाई वहां पे, किस लिए वहां पर बनाई गई वो। अगर मैं यहां से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वो बिल्डिंग किसी और डिपार्टमेंट को दी जाए, किसी और डिपार्टमेंट को वो दी जाए और यहां पे कहीं रोड साइड पे हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई जाए तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है
वहां पर 2016 से आप कोई स्टाफ पीपल गया नहीं और कुछ भी नहीं हुआ वहां पे। तो इसके अलावा सर मैं यहाँ आंगनवाड़ी की बात करना चाहूंगा। जहां तक मेरा नॉलेज है आंगनवाड़ी सेंटर्स यहाँ पर हमारी सीटी पर साहिबा जब से यहाँ पर तशरीफ लाई है मुझे लगता है कि हर एक सेंटर में वो खुद बजाते खुद वहां जाती है और उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे काम शुरू किया रखा हुआ है। कोई शिकायत कोई कंप्लेंट किसी तरह से नहीं आती है और इसके लिए मैं वहां पे उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ स्टेज से कि वो इस वक्त हमारे बच्चों का बहुत अच्छे से देखभाल कर रही है। उनके लिए मैं यहाँ से दोबारा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसके अलावा सर वहां पे जहां अभी आपने एक बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया द्रापशाला में सर शायद फाउंडेशन स्टोन लेट किया लेकिन आपने वहां पे उसी जगह पे तहसील हेडक्वार्टर के लिए और पुलिस स्टेशन के लिए जगह वहां पर मुंतखब की गई है सालों साल पहले और अफसोस यह है कि आज तक वहां पे कोई उस चीज की तरफ ना कोई बिल्डिंग बना रहे हैं वहां पे ना कोई वहां पे कुछ को देख रहा है। अगर मेहरबानी करके किराए के मकानों में हमारे तहसीलदार साहब रह रहे हैं अगर वहां पे एक मिनी कॉम्प्लेक्स बनाया जाए जिसमें तमाम ऑफिस जो हैं अगर आप देखेंगे तो तहसील हेडक्वार्टर पे बहुत से ऑफिस होते हैं मगर हमारे पास सिर्फ वहां पर एक तहसील ऑफिस नजर आता है वो भी किराए के मकान में है और एक पुलिस पोस्ट है वो भी दरिया के किनारे पे है जहां पे अगर किसी को कोई ग्रीवेंस हो तो वो पहले जाता ही नहीं है क्योंकि उधर रास्ता ही नहीं जाने का और आप अगर प्रोजेक्ट वालों ने वो रास्ता बंद कर दिया तो फिर कोई लोग वहां पर आवाम लोग तो वहां जा नहीं सकती है उसको काइंडली वहां से शिफ्ट किया जाए वहां से ऊपर रोड पे एक बिल्डिंग है वहां पे छोटा सा एक शेड भी है वहां पे जो हमने पहले भी एसएसपी साहब से पुलिस बड़ा वो जो पुलिस दिवस किया था उन्होंने उसमें भी रिक्वेस्ट की थी अगर वहां शिफ्ट किया जाए उस पुलिस पोस्ट को वो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वो नीचे जाने के लिए लोग वहां पर बड़ी मुश्किल से वहां रास्ता ही नहीं है वहां जाएंगे कहां से। तो इसके अलावा मैं एक दफा फिर आपका बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए। यह पहली बार है कि हमारे इस जंगली एरिया में मैं आपको जंगली एरिया इसीलिए कहूंगा क्योंकि यह बहुत ही बैकवर्ड इलाका रहा है बहुत ही बैकवर्ड इलाका रहा है। हालांकि एक वक्त था जब यहाँ पे ये पूरे सुरूर का सेंटर हुआ करता था यहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वो अपने एक है मेडिकल एस्टेट साहब है अपना यहाँ पर वो भी है अपने एनिमल हस्बेंड्री का भी है सुपूर यहाँ पे था पंचायत घर यहाँ पे था तो मतलब जहां यह सबसे बड़ी पंचायत हुआ करती थी सलाका सुरूर की मगर अब वो तोड़ तोड़ के आस्ता आस्ता इसको वहां पर वो छोटा कर दिया गया है। फिर भी यहाँ के 1500 वोटर्स हैं इस वक्त इस पंचायत में सबसे बड़ी पंचायत जो है वाला का सुरूर की यही है। तो ना यहाँ पे डॉक्टर साहिबान काम आते हैं यहाँ पे एनिमल यहाँ पर शीप हस्बेंड्री का तो नामो निशान ही नहीं है। इसी तरह यहाँ पे काफी नुकसान हुआ यहाँ लोगों के माल मवेशी मारे गए तो बुरा ना माना क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट जितना भी है मुझे लगता है कि कभी कभार ही तशरीफ लाते हैं और वो नहीं देखते हैं लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा डी साहब से कि जो भी रिक्वेस्ट की जाए कि वो आए और लोगों के साथ यहाँ पे मिल बैठ कर देखा करें। बिजली का डिपार्टमेंट भी आपने देख ही लिया वहां पे ग्रिड जो रिसीव स्टेशन बना है उसके लिए मैं दोबारा कहूंगा कि वो फंक्शनल किया जाए इस इलाके को वहां से पावर दी जाए और वो किश्तवाड़ से दी जाए मेहरबानी करके क्योंकि आप ठाठी के साथ मुंसलिक हैं ठाठी से जो लाइट हमें आती है वो कभी कभार वहां पर उनको कहरा बंद करना पड़ता है तो इधर भी बंद कर देते हैं या और इलाका बंद करना तो हमारा सुरूर भी बंद हो जाता है। लिहाजा मेहरबानी करके आप किश्तवाड़ से हमें बिजली मिले इस रिसीविंग स्टेशन को और यहाँ से वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो आगे तो वो बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया आपका बहुत। वजीर ठाकुर जी जो की कुकड़वास पंचायत से बिलोंग करते हैं वो स्टेज पे आए और अपनी बात रखें। रिस्पेक्टेड डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ उनके साथ में हमारे द्रापशाला के डीडीसी साहब और यहाँ पे जितने भी हमारे एसीबी साहब आए हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जितने भी यहाँ पे मुलाजम हैं और हमारे जो बच्चे हैं और यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं किश्तवाड़ के मैं आज डीसी साहब का यहाँ पे वेलकम करता हूँ कि डीसी साहब पहली बार हमने देखा है कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो है द्रापशाला के अंदर ही ब्लॉक दिवस होता था हमेशा तो आज पहली बार थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर की तरफ आए हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो डिप्टी कमिश्नर साहब के लिए आधे लोग आगे वाले बच्चे तालियां बजा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्या खुशी नहीं हो रही है डीसी साहब यहाँ आए सभी लोग तालियां बजा रहे हैं। खुशी की बात है कि हमेशा से द्रापशाला के अंदर और मैं जब भी किसी भी इस तरीके की पब्लिक मीटिंग जो होती है मैं जब भी जहां पे जाता हूँ
एक चीज हमेशा देखने को मिलती है कि ऑफिसर्स आते हैं, ग्रीवेंसेस सुनते हैं, लेकिन अपने ऑफिस में जाके बाकी कामों में उलझ जाते हैं, हमारी ग्रीवेंसेस वहीं की वहीं रह जाती हैं। जो लास्ट ब्लॉक दिवस में हमने जो बातें की थी, अगले दिवस में वही रिपीट होती है। और ये जैसे अभी हमारे यहाँ के लीडर्स से बता रहे थे कि यहाँ पे पानी का मसला है, यहाँ पे ये मसले आज से 10 साल पहले भी बताए जा रहे थे, आज भी बताए जाएंगे, आने वाले 5 साल के बाद भी बताए जाएंगे। इनके ऊपर ग्रीवेंसेस को सुनते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि पहली बार किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं दिल से बोल रहा हूं, मैं नौजवान हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं, पहली बार मैंने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस में ऐसा सिस्टम देखा कि जहां पर ऑन स्पॉट ग्रीवेंसेस सुनी जाती है। मतलब मैं डीसी साहब के पास कुछ एक तो रिक्वेस्ट लेके गया, पुराने डीसी साहब में उनकी आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन उम्र के साथ साथ वो भी स्लो वर्जन हो गए थे, काम बहुत स्लो करते थे और आज तक काम हुए नहीं कभी। और डीसी साहब ने हमारे धारशाला के अंदर जो कुकड़वास पंचायत के अंदर स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल शारोद, उसके लिए जो ऑर्डर निकाला, मैं जोरदार तालियां चाहूंगा डीसी साहब की स्टार के लिए कि वहां पे 400 बच्चों की जिंदगी जो है डीसी साहब ने बचाई है। कभी भी वहां पे कोई दुर्घटना हो सकती थी, आज डीसी साहब की वजह से वहां पर एक ऑर्डर निकला है जिसके तहत अब कार्रवाई हो रही है। वहां कुछ ठेकेदारों ने सब स्टैंडर्ड मटेरियल से बिल्डिंग को बनाया है और आज भी वहां पे इस वक्त बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं। कहां पे? स्कूल के ग्राउंड में। इस वक्त आप सर टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर 6-5 डिग्री सेल्सियस है, हवा चल रही है, बच्चे जो है 4 क्लासरूम जो है वो एक ही, मतलब जिस तरीके से अभी ये सब लोग बैठे हैं वैसे ही यहाँ पे 4 क्लासरूम पढ़ते हैं। सर एक सूटेबल एनवायरमेंट होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब होता है कि बिल्कुल शोर ना हो, एक क्लास की आवाज दूसरे क्लास तक ना जाए। लेकिन आज 4 क्लासरूम सर एक ही जगह पे 4 क्लासरूम लग रही है, तो सर ये बहुत ही डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द सर उसके ऊपर जो है स्ट्रिक्टनेस जो है की जाए और उन ठेकेदारों के खिलाफ या डिपार्टमेंट जो आरएनबी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि आप लोग इस तरीके से बच्चों के साथ क्यों गलत कर रहे हो। उसके साथ साथ सर मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अभी एक ऑर्डर निकला है जम्मू कश्मीर बोर्ड की तरफ से जिसमें कुछ हार्ड जोन और कुछ सॉफ्ट जोन बनाए गए हैं। तो हमारा जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल शारोद की बात करते हैं, उसको हार्ड जोन में नहीं डाला गया है। सर हार्ड जोन के अंदर क्या है सर, अगर आप देखिए हायर सेकेंडरी स्कूल शारोद जो है वो पूरे सरूर इलाके का एक्चुअल सरूर इलाका, बाधात में एक्चुअल सरूर इलाका सर बहुत पीछे है और वहां पे बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। मैं आज इस स्टेज के माध्यम से डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम हमारे सरूर में कुकड़वास पंचायत में किया जाए, क्योंकि उस इलाके में आज तक कभी भी कोई ऑफिसर नहीं गया है विजिट पे और उस इलाके की हालत बद से बदतर है। वहां पे गाड़ियां भी जाती हैं सर, लेकिन वहां पे हम चाहते हैं कि सर जब आप वहां पे आए खुद वो हालात देखें। वहां पर जो हार्ड जोन की मैं बात कर रहा हूं सर, अभी हमारा एरिया है शरोती पीछे, जहां पे आज तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है, वहां उससे पीछे गोरो आता है सर, उसके बाद सर यहां पे जो आपका है ये जो नीचे वाला एरिया है मंदिर आ गया, करोड़ा आ गया, इस एरिया में रोड कनेक्टिविटी नहीं है और रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से उस हायर सेकेंडरी स्कूल शारोद के अंदर बच्चे पोरा चंडाली से भी आते हैं, बड़ोती से भी आते हैं और चलासू से भी आते हैं, सब जगह से बच्चे वहां पे आते हैं पढ़ने। और जब बर्फबारी होगी उस दौरान अगर वहां पे एग्जाम होते हैं तो बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते हैं बिकॉज ऑफ कि वो हार्ड जोन के अंदर नहीं पढ़ता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सर आप सीओ साहब के साथ रब्ता करके हमारे को जितना जल्दी हो सके उस लिस्ट में हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम जरूर है, ताकि बच्चों के जो फ्यूचर है उसके साथ और गलत ना हो। उसके साथ सर आज हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के यहाँ पे हायर सेकेंडरी बाधात के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बाधात की ही बात करेंगे और हायर सेकेंडरी की ही बात करेंगे। सर बच्चों को 10th के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट जो है अपनी इच्छा अनुसार नहीं, स्कूल की इच्छा के अनुसार लेने पड़ते हैं। एक बच्चे का मन है कि मैं आर्ट स्ट्रीम के अंदर में जाऊं, लेकिन उसको सब्जेक्ट आर्ट्स के नहीं मिलेंगे, उसको नॉन मेडिकल के मिलेंगे। तो ये बच्चों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। इसके ऊपर सर कोई पॉलिसी बनाई जाए कि बच्चों को कम से कम वो लेक्चर यहाँ पे लेक्चरर्स यहाँ पे मिले जो जिनसे उन बच्चों के एजुकेशन सिस्टम को और उनके बच्चों के एजुकेशन के ऊपर इफेक्ट ना हो। उसके साथ सर
आज सर आप यहाँ पे आए हैं, बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए और मुद्दे इतने हैं कि शाम तक भी बताएंगे तो इस इलाके के खत्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे डीसी साहब आए हैं। लेकिन हमारे सर किश्तवाड़ के अंदर सबसे बढ़िया इस वक्त टूरिज्म स्पॉट जो है बिमल नाग है। किश्तवाड़ से हर साल बसों की बसें बिमल नाग के अंदर आती हैं, बच्चे जो हैं वहां पे आते हैं और वहां पे पिकनिक स्पॉट है सर। उस पिकनिक स्पॉट के अंदर सर सबसे बड़ी जो समस्या है, समस्या ये है कि सर हमने पहले भी यहाँ पे एसएचओ साहब जो थे उनसे भी हमने बात की है, वो भी जानते हैं, नसीर साहब यहाँ पे हैं, डीएसपी साहब थे उनसे भी हमारी बात हुई है कि उस पिकनिक स्पॉट पे आकर लोग किश्तवाड़ से धर्मशाला से बाहर से लोग आते हैं और वहां पे जाके ओपनली दारू पीते हैं। सर डीसी सर प्लीज हाँ तो वहां पे लोग बाहर से आते हैं, वहां पे बिमल नाग जो है एक होली प्लेस है, वहां पे हमारे इलाके का कुल देवता नाग देवता भी है, वहां पे लोग आके बाहर से लोग आके वहां पर दारू पीते हैं। और इसके ऊपर हमने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की कि वहां पे चौकी भी है, उनसे ये रिक्वेस्ट है हमारी कि भाई जब कोई भी यात्रा वहां पे लेके आता है या कोई पिकनिक आती है तो ओपनली वो लोग दारू पीते हैं। एक तो उससे जो ये हमारा अभियान चलाया था जब डीसी साहब नए नए किश्तवाड़ में आए थे उस टाइम पे एक नशा मुक्त भारत का एक अभियान चला था, लेकिन एक तरफ से नशे को प्रमोट भी किया जा रहा है टूरिज्म स्पॉट्स के ऊपर। अगर इस तरीके से ओपनली दारू चलेगी तो मुझे लगता है हमारी यंग जनरेशन जो है उसका फ्यूचर खतरे में है। तो वहां पे जब टीचर्स भी कहीं जाते हैं तो मुझे लगता है कि आज हम सभी लोगों को इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और साथ में सर जितने भी वहां पे टीचर्स जाते हैं और यहाँ पे जो एजुकेशन जो ये पिकनिक अरेंज की जाती है, मेरे टीचर्स से भी रिक्वेस्ट है, देखो हम सब टीचर्स इज द बिल्डर ऑफ नेशन, ठीक है, टीचर्स जो बच्चों को सिखाएंगे बच्चे भी वही सीख के आगे उनसे उनका फ्यूचर बनेगा, लेकिन वो आपको फॉलो करते हैं, बच्चे टीचर्स को फॉलो करते हैं। मैंने देखा है अक्सर वहां पे टीचर्स जब पिकनिक पे जाते हैं बच्चे भी जाते हैं वहां पे उस आंगन में कचरा करके जाते हैं, और आज की डेट में इतने खूबसूरत टूरिज्म स्पॉट के अंदर इतना कचरा है। मैं चाहता हूँ जितने भी वहां पे लोग जाएं जब भी पिकनिक स्पॉट पे जाएं उसके बाद उस कचरे को एक जगह पे करके उसको या तो जलाएं या तो उसको डस्टबिन में डालें। लेकिन डीसी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको नोट करें, हमारे वहां पर हमें डस्टबिन की बहुत ज्यादा जरूरत है, बड़े बड़े डस्टबिन की। पिछली बार वो थोड़ा एक मजाक किया हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने, छोटे छोटे डस्टबिन दे दिए वो जो घरों में हम यूज करते हैं, घरों में भी उससे बड़े डस्टबिन हम लगाते हैं, लेकिन इतने बड़े टूरिज्म स्पॉट के ऊपर छोटे छोटे डस्टबिन, मुझे लगता है मैं उससे अच्छा तो मैं खुद लेके आ जाता हूँ वहां पर, तो ये थोड़ा गलत हुआ है हमारे साथ। उसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है सर, अभी मैं कुछ डिपार्टमेंट की खिलाफत करने वाला हूँ, मुझे लगता है मेरी बातें जो है आपको बुरी लगेंगी, लेकिन सच्चाई है और हमारा काम है सच्चाई जो है लोगों तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया जाए। सर पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट ने सड़क निकाली है शांडरी से लेकर बिमल नाग तक, पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट, इन्होंने लोगों के साथ झूठे वादे किए, लोगों को कंपनसेशन इनके जेई और एई जो है वो उनको बोलते हैं कि भाई आप एक काम करो आप अपने मकान खाली करो आपको हम कंपनसेशन देंगे। जेई और एई ने जो स्पॉट पे उस टाइम पे ऑफिसर होते हैं उन्होंने लिख के दिया होता है लोगों को कि भाई आपको आप अपने मकान खाली करो आपके पेड़ हम काट रहे हैं आपको इसका कंपनसेशन मिलेगा सर। लेकिन आज बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि सिर्फ जिन लोगों की पॉलिटिकल अप्रोच होती है जिनके ऑफिसर्स के साथ बनती है उन्हीं लोगों को ये कंपनसेशन मिले हैं। आप अगर एक लिस्ट निकाल के देखेंगे जिनके पॉलिटिकल बैक है जिनको उन सबको मिले हैं, लेकिन जो गांव का गरीब आदमी है जो एसीआर ऑफिस में जाता है और उसको वहां पे ये सुनने को मिलता है कि गांव के लोगों को काम धंधा कुछ नहीं है, ये सुबह घर से निकल के आते शाम तक घूमते हैं, लेकिन उसके पास कोई पॉलिटिकल बैक ना होने की वजह से उसका उसके पेड़ भी काटे गए उसको मकान खाली करवाया गया, आज तक वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। मैं कुकड़वास की बात करूं सर, कुकड़वास विलेज में पीएमजीएसवाई ने सड़क निकाली, आज तक उस पूरे गांव में प्रोटेक्शन वॉल नहीं थी इन्होंने, ये कैसा काम कर रहे हैं लोग, पूरा गांव खतरे में है, वहां पे नाली निकाली है अभी बर्फ पड़ जाएगी पूरा का पूरा गांव स्लाइडिंग जोन में, एक एक मतलब इनके नालायकी से पूरे गांव को डैमेज हो रहा है, लेकिन ये लोग यहां पे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे सर। मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीजों के ऊपर जो है जितना जल्दी हो सके कार्रवाई हो। और रेटले पावर प्रोजेक्ट के अंदर मैं लास्ट में सर बताऊंगा कि एक डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से जो इलाका सरूर के साथ होती आई है आज भी हो रही है, एक पैरामीटर सेट किया गया है कि यहाँ पे दो तीन नहीं चार गांव के लोग ही एक प्रोजेक्ट के अंदर लगेंगे, ऐसा क्यों है?
सर अगर प्रोजेक्ट के अंदर ये एक पूरे इलाके का प्रोजेक्ट है, इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ही लोगों के अप्रोच के ऊपर एक पूरे इलाके को अलग कर दिया गया। जैसे इलाका सरूर की बात करूंगा, जो एक्चुअल सरूर है, आप यहाँ से ऊपर जब जाएंगे उस पूरे इलाके में से तो दो लोग भी नहीं लगे सर। ये कुंतवाड़ा इलाका है पूरा सर, इसमें से यहाँ पे लोगों को यहाँ अलग किया गया है। उसके साथ सर ये जो हमारा सरथन और पूरा चंदाली गहन का इलाका है, ये सब लोगों को कम से कम, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक पंचायत से पांच पांच दस दस लोगों को भी अगर आप एडजस्ट करते हो, क्योंकि रेटले